हेलो। जय माता की जी। जय माता दी सर। बोलिए। अच्छा सर मैं यूट्यूब फेसबुक पे देख रहा था आपका पंडोकर सरकार के बारे में, हाँ, तो सर मैं चाहूंगा कहने कि सर मैं भी गया था वहाँ। आपका शुभ नाम दिया। अच्छा मेरा नाम सर जगराम है और मैं करौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, राजस्थान रहने वाला हूँ। कौन सी डिस्ट्रिक्ट? करौली सर? अच्छा करौली उत्तर प्रदेश। नहीं नहीं सर, राजस्थान। अच्छा करौली राजस्थान में भी है। हाँ हाँ अच्छा, जी तो बताइए। करौली सर मैं गया था अप्रैल में। डिस्ट्रिक्ट है तो कोई गांव भी होगा आपका। गांव सर नादुती के पास है, नादुती है सर। अच्छा, ठीक, अब बताइए। सर मैं गया था तो सर मैं फिर यूट्यूब पे देख के गया था वहाँ। अच्छा, तो सर यूट्यूब में देखा तो हमारी इधर से ही दो लड़के गया था, उनका उन्होंने क्या है कि जब दरबार चलता है सर यूट्यूब पे, तो उनका सर उन्होंने नंबर वायरल किया था। अच्छा, ये तो पंडोखर धाम की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा जी, बताइए। तो सर वायरल किया था। मैं, हाँ तो वो नंबर वायरल किया था उस लड़के से, फिर मैंने बात करी हाँ तो उन्होंने बोला सब कुछ सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं भी गया वहाँ। अच्छा। सर मैंने 11,000 रुपये की ऑनलाइन पर्ची कटवाई, फिर पर्ची कटाने के बाद मेरे को 7 दिन बाद नंबर आया वहाँ। अच्छा, तो 7 दिन आप वहीं रहे कि घर आ गए? नहीं, मैं वहीं रहता 7 दिन। फिर सर वो अंदर अलग से रूम है उनका, तो उसमें बुलाते हैं 100 150 200 आदमी ले लेते हैं अंदर। अच्छा, इकट्ठा। हाँ इकट्ठा। और फिर उसके बाद में वो बताते हैं फिर एक नंबर लेके कुछ, तो मेरे नंबर आया तो मेरे को ओनली, सबसे बड़ी दुख सर ये है कि मेरे से 11,000 रुपये लिया और मेरे को 20 सेकंड दिया उन लोगों ने। हाँ अच्छा, तो गलत 20 सेकंड में कुछ आपको क्या बता दिया? 20 सेकंड कुछ नहीं बताया मेरे को, मैंने मेरे घर की समस्या है कुछ, तो उसके बाद में पूछा मैंने कैसे, बोलो कैसे आए हो? मैंने सर मेरे घर के अंदर समस्या है, कुछ सवारी वगैरह आती है, 20 22 साल से हम परेशान हैं। तो उन्होंने बोला कि लिख दिया उसमें कि तुम्हारे 480 भूत है घर के अंदर, कितने? 480। 480 भूत? वही भर घर है क्या उनके पास? नहीं सर मेरे घर में बता रहे वो। अच्छा, आपके घर में 480 भूत? हाँ अच्छा, अब कुछ मतलब कुछ परेशानी तो है, लेकिन ऐसी समझ नहीं आई कि 480 कोई भूत होता है घर में। ये तो बहुत ज्यादा लिस्ट लंबी है फिर। हाँ बोला हर घर बारों पे सब, तो पूरा परिवार फैल रही बीमारी तुम्हारे। फिर अच्छा, मैंने सर मेरा एक जमीन का समाधान और कुछ, तो उसमें लिख दिया हो जाएगा। और कोई भी ज्यादा उसको ये लिखता है 27 28 29 30, मतलब 4 साल देता है डायरेक्ट ही। अच्छा कोई भी जाएगा किसी की भी पर्ची लिखो आप, सबकी यही मिलेगी 26 27 28 29। अच्छा, अब 4 साल तक उनका धंधा चल जाता है। बाद तो में बस बाद आपको में इतना ही बताया और इसके बाद आपको रवाना कर दिया? अच्छा हाँ मेरे को रवाना कर दिया, फिर आगे और दूसरा नंबर आएगा। अच्छा हाँ फिर उसके बाद में मेरे से कहा कि तुम 3 नारियल बांटना है, तो 3 नारियल के लिए वो बैठ रहे थे वहीं, एक वो परिक्रमा से देने का होता है, यज्ञ बना रखा है कुछ है। तो 3 नारियल का मेरे से 350 350 रुपये उन्होंने ले लिया। फिर उनको रामायण करानी पड़ेगी, 3500 रुपये रामायण का लगता है, तो वो 3700 लिया, वो ऑनलाइन का 3700 लगेगा। तो क्या आपने ऑनलाइन पैसे दिए थे क्या? अच्छा, हाँ ऑनलाइन दिया था सर मैंने, और वो 11,000? ऑनलाइन है वो भी अच्छा, तो उसकी तो आपके पास सारी रिसीविंग होगी। सर, वो फोन पे में है भी उसका रिकॉर्ड है। हाँ, फोन पे रिकॉर्ड है तो वो तो उसे तो छुपाया नहीं जा सकता, डिनाई नहीं कर सकता कोई। हाँ हाँ बिल्कुल है सर। अच्छा, फिर और आगे? फिर उसको मेरे बोला कि तुमको अमाशा करनी पड़ेगी 6, तो मैंने 7 अमाशा कर ली। 7 अमावस्या कर चुके हैं आप? हाँ 7 पूरी फाइनल हो गया मेरा। तो कई महीने और हर, पहले गए थे आप? हाँ मैं अप्रैल में गया था अच्छा, फिर इसके बाद और अक्टूबर हवन वगैरह? में बोला सर मेरे को, तो कुछ रिलीफ नहीं मिला तो मैं 30,000 क्यों लगाऊं सर। हाँ, उसमें तो कुछ ज्यादा पैसे बताते हैं ना। हाँ वो 30 32 हज़ार रुपये टोटल बोलता है, उसमें तो पंडितों को मत देना पड़ता है, फिर उसके अलावा हवन का पता नहीं कितना है, पता नहीं क्या क्या सिस्टम उनका, जो मैंने तो पूछा भी नहीं उनसे। अच्छा, अब मैं परेशान हूँ घर में, क्या समस्या है सर, बहुत दिन से 22 साल हो गए हमको। ओहो, अब मैं उसके बाद मैंने मेरी बाइक बेच के गया था मैं सर, ये मान लो आप। अच्छा, बाइक बेच के आप वहां गए थे? हाँ मैंने घर वालों से क्या पैसा लिया, घर वाले सब परेशानी घर में, तभी सर तबाह पूरी घर लाइफ तबाह घर वालों की। अब जब जब फिर उसके बाद में कुछ नहीं मिला सब,
मैंने वो बेस भी की बहुत आदमी से कहा था कि कोई मानने को तैयार नहीं है सर वहाँ। अच्छा हाँ बोलो आस्था रखो आस्था रखो। एक पुष्पांजलि नदी है वहाँ, हाँ तो बोलो उसमें तुम्हारे घर वाले जितने भी 4-5 को ले आओ, तुम नहलाओ, तो मैं कार लेके फिर 10,000 लगा के दोबारा गया। फिर अच्छा तो फिर उनको नहला के ले आया, फिर हाँ उसके बाद कुछ भी फायदा नहीं है सर आज तक। लेकिन बेबंदी हो गया मेरा। क्या सर? लगभग कितने खर्चा कर दिए? सत्तर हाँ सर इतना मेरा 70,000 का हुआ है खर्चा। अबे हजार का सर अब सर एक बार जाता हूँ 3,000 रुपये खर्चा बैठता है वहाँ हाँ बैठे हो से राजस्थान भाई, रहने का भी है वहाँ दो तीन से दो। हाँ और वो क्या करते हैं सर, अमावस्या के भीड़ होती है सर, तो अमावस्या में क्या करते हैं वो, जैसे दो टोकन की दो पर्ची होती है वहाँ, दो दो विंडो होती है, हाँ तो भीड़ के लिए क्या करते हैं एक विंडो बंद कर देते हैं अच्छा और फिर उसको वीडियो बनाते हैं भीड़ का। अच्छा तो लाइन लंबी लग हाँ जाती है। अच्छा लाइन लंबी लग जाती है वहाँ, क्या आदमी का 3-3 घंटे में नंबर आता है, वो धीरे धीरे लेते हैं। अभी ये भी चक्कर हाँ ताकि पता लगे कि भाई भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है। है। अच्छा मतलब मैंने खुद ने पर्ची कटाई थी दोबारा, तो मैं दो दो घंटा सो गया लाइन में। हाँ अच्छा तो कुछ समझ से बाहर वाला खेल है तो। हाँ हाँ और दूसरी बात, मैं सोने के लिए क्या है, वो वैसे मंदिर सा बन रहा है राम मंदिर, तो उसमें क्या कोई आदमी कहाँ पड़ा है, कोई कहाँ पड़ा है। अब मैंने क्या 500 रुपये जमा करा के गद्दा ले लिया, वो गद्दा को कोई चोर ले करके ले गया, पता नहीं कौन ले गया, वो ही ले गया, दुकान वाला कौन ले गया, मेरा ₹500 और गए पूरा। अच्छा गद्दे को उन्होंने तो पैसे ले लिए होंगे। अच्छा उन्होंने ₹500 ले लिया मेरे से, जमा करवा लिया, वो दिया नहीं दोबारा। अभी ये भी एक समस्या है। ये भी समस्या है सर, कोई फायदा हो ना वहाँ, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आदमी मुसीबत पाले। सही है। हाँ अब मेरा इतना पैसा गया, मैं सोच रहा कि फायदा होगा, आस्तर को सब कहते हैं। वो लोग तो कहते हैं कि वो जो एक मंदिर हनुमान जी का मंदिर है जो पंडोफर दरबार जिसे कहते हैं, हाँ तो हाँ हाँ उसके बनाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, तो वो कुछ बन रहा है वहाँ? सर उसमें एक राम मंदिर बन रहा है, बड़ा सा मंदिर है अच्छा वो। पांडोकर जो मंदिर है वो तो पहले का ही है, इतना ही बन रहा है, और खुद खुद महाराज जी का होटल बन रहा है 3-4 माह। होटल बन रहा है। हाँ हाँ होटल बना हुआ है ना, किसी से पूछा होटल बना हुआ है माँ, जो मंदिर पे जाते हैं ना हनुमान जी का मंदिर है, उसके बगल में होटल बनाया हमने खुद ने। तो जब मंदिर में लगा ही नहीं रहे क्या? बिल्कुल थोड़े बहुत लगा रहे हैं क्या? नहीं मंदिर तो बन रहा है, मंदिर बहुत बड़ा बन रहा है, मंदिर तो बन रहा है। नहीं जो पुराना दरबार बता रहे हैं वहाँ कह रहे थे बनाने के लिए, जैसा भी हो खैर उनका वो जाने। पर नहीं नहीं पुराना दरबार। एक हाँ बात ये बोलो। समझ में नहीं आती है कि देखिए मंदिर तो देश में बहुत है हाँ हाँ और ऐसा नहीं है कि वो लूट खसोट के बनाए गए हों, वो श्रद्धा के साथ लोगों ने वहां पर समर्पण दिया है, उसके माध्यम से बनाए गए हैं, और बिल्कुल उन बिल्कुल सर मंदिरों में इतना पैसा आता है कि वो संभाला नहीं संभलता। बिल्कुल सर और यहाँ पे क्या है कि गरीबों को भी उनसे पैसे ले लेके वो मंदिर बना रहे हैं, क्योंकि हाँ कह बहुत तो यही रहे सारे। हैं ना कि दरबार हनुमान जी का मंदिर बन रहा है। तो हाँ कंस्ट्रक्शन का अगर तो बहुत काम चल रहा है मैं सर। अब अगर आप लोगों की जेब से जबरदस्ती पैसे निकाल के आप हाँ मंदिर बनाएंगे तो क्या वहां पर उस जिस भी देवता का आप स्थापना करेंगे तो कोई देवता रह पाएगा? सर कुछ नहीं है सर, देखो मैं परेशान हूँ ना, ऐसे बहुत सारे लोग गए हुए परेशान हैं, तो अब उनकी दुआ है, आत्मा क्या कहती होगी सर ये बताओ। तो उनकी तो बद्दुआ ही निकलेगी। हाँ पहले नीचे वो क्या, वो सोनू महाराज जी पहली बार फर्स्ट टाइम डोरा बांधा था ना, एक रक्षा सूत्र मानते हो, हाँ। अब नए नए गया था, तो मैंने वो निकाल के रक्षा सूत्र का अलग से ₹200 दिया था सर। अच्छा रक्षा सूत्र बांधने का। अच्छा हाँ चौरमुरी कहता 200 और 2 402। हाँ जब लास्ट में जाके फिर पहली बार में दो दे दिया मैंने, दूसरा किसी से पूछा तो फिर मैं हाँ 10 रुपये 10 20 20 रुपये देने लग गया फिर बाद में। अच्छा मतलब कुल मिला के आपकी जेब से जितने वो निकला पाए वो प्रोग्राम चल रहा है। हाँ हाँ आपको एक बुक के नाम से वो मंदिर पे एक पंडित जी बैठते हैं वहाँ पुराने मंदिर पे। हाँ हाँ जो हनुमान जी की बजरंग बली का मंदिर है, हाँ वो भी प्रसाद जब लेंगे जब उसको हाथ में 10 20 रुपये 50 रुपये देंगे जब। हाँ अच्छा हाँ और स्टाफ का वहाँ इतना गंदा है कि आप किसी से जवाब नहीं दे कर सकते हो। अच्छा हाँ अगर जवाब कर दिया तो लेने देने पे आते हैं वो लोग। ये भी समस्या है। हाँ हाँ सर बहुत सारे लोग हैं असंतुष्ट है वहां से, लेके आके आदमी मजबूरी में देखो देख के चल जाते हैं। मतलब देखिए पैसा लग रहा है कोई बात नहीं, लोग मुझे बताए कि भैया परेशान ये नहीं कि हमारा पैसा लग गया, पैसा हाँ यही सर। जितना लगा लग गया, हमें उसकी कोई पीड़ा नहीं है। पीड़ा इस बात की है कि काम तो हुई नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात सर, ये जो ये यूट्यूब के लिए टेलर देते हैं ओनली वहां तो दरबार में, तो अच्छा और ज्यादातर कौन सा केस लेंगे, किसी लड़की के जैसे किसी से नाजायज संबंध है, किसी लेडी का नाजायज संबंध है, ये ज्यादा दिखाएंगे वहां। तो आप पर्सनल किसी की लाइफ थोड़े खोल सकते हैं। हाँ ये पर्सनल लाइफ खोलते हैं किसी की, कोई भी जाएगा तो किसी के बोला तूने तो इनके साथ ही संबंध बनाया, कोई चारों के साथ बनाया, कोई तीन के साथ, पता नहीं ऐसे बोलते हैं वो। अजय परेशानी क्या लेके जाता है क्या बताते हैं वो। ये तो आप किसी की पर्सनल लाइफ अगर खोल रहे हैं तो उसको तो जीवन नर्क बना रहे हैं आप। सर देखो पर्सनल लाइफ पता नहीं कैसे कैसे उसको घर वालों को पता पड़े, किसी और को पता पड़े तो फर्क तो पड़ता है ना सर किसी के ऊपर। और दूसरी बात, जब आप किसी का काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप पर्सनल लाइफ सही से खोल रहे हैं कि अनसंत खोल रहे हैं, ये भी पता नहीं अब ये भी पता नहीं है सर। भाई। एक कोई जानकारी आई थी कि एक महिला तो बहुत भड़क गई थी, अनसंत हाँ कह बिल्कुल दिया बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल सर, भड़कने वाले बात होगी तो भड़केंगे लोग। देखिए आप किसी की इस तरह पर्सनल लाइफ को ओपन नहीं कर सकते ना, सामाजिक नहीं कर सकते नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते सर। और भाई। चैलेंज वो अगर करते हैं ऐसा सर, भी है तब भी नहीं कर सकते आप। और सर चैलेंज करते हैं मेरे सामने कोई है ऐसा तो आकर बैठो मेरे सोफे बीच में, मुझको चैलेंज करो, मैं जाके चैलेंज कर दूं, लेकिन सर वो लड़ने वाले बीच है वहां हाँ यही लोग भाई बता रहे हैं कि लड़ता। उनके हाँ मतलब जो गंधारी हैं या और दूसरे हैं सब हाँ हाँ वो ऐसे ही अपशब्द हैं। के इस्तेमाल करते हैं सर। हाँ आप शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं। हाँ सर वो गाली गलौज भी आ जाते हैं वो, एक मेरे सामने बात है कि लड़का ने भीड़ में थोड़ा ज्यादा गया तो उसे थप्पड़ दे पड़े, अच्छा डोर बांधने वाले गए। हाँ डोर बांधने वाले गए, हाँ अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर देते हैं सर। लेकिन ये सर तो सही मजबूरी है। में सब लोग क्या पड़ रहते हैं, कोई बात नहीं भाई फायदा हो जाएगा, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ फायदा हो जाए तो चलो वो भी सुन लेते हैं। अब मेरे घर में सर बस समस्या है थोड़ी सी, चार पांच भाई है सब परेशान है, एक भाई मेरा कोई सवारी आती पता नहीं क्या आ रहा है जो माइंड डिस्टर्ब करके उसको चार चार पांच पांच महीने के लिए घर से गायब हो जाता है वो, और पता नहीं उसको खाता भी नहीं है कुछ सर, ये भी है उसका और जिंदा रहता है। तो मेरा और तो सर आपके इन्होंने कोई भी उसका रिलीफ नहीं दिया। कुछ भी रिलीफ नहीं मिला सर, कुछ भी 1% मिल जाता मैं मान लेता, 5% तो है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो सही से गलत बात है। ऐसा है आप मुझे अपनी फोटो और जो भी हाँ रसीदें हैं हाँ हाँ उनकी आप फोटो खींच के मुझे भेजिए। इस तरह की वीडियो बिल्कुल डालना बिल्कुल जरूरी है जिससे लोगों को पता तो चले कि वहां हो क्या रहा है, नहीं नहीं सर बिल्कुल 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 क्योंकि ये अब एक मुहिम बहुत तेज इसकी चलानी पड़ेगी जिससे लोग अवेयर हो सके। और वहां लुटना तो बंद हो पहला काम, दूसरा नहीं नहीं फिर सर हम सही सही शासन से भी इसके लिए संज्ञान में लेने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल सर। प्रशासन से ये कहो कि अगर वो काम करते हैं तो पैसा लो, बाकी किसी का अंत का पैसा मत लो, उसको हाँ साफ साफ कह दो मेरी मेरी बस की बात नहीं, आप कहीं भी जाओ। हमारा इतना ही कहना है कि या आपने पैसे लिए तो उनका काम कर दीजिए, अगर आप नहीं हाँ काम कर पा रहे हैं तो ब्याह सहित वापस कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस इस पॉइंट पे सारा हाँ प्रोग्राम चल रहा है क्योंकि इससे तो सनातन धर्म बदनाम हो रहा है। सर वो पूरा गांव का गांव में बिजनेस चल गया एक तरीका से, वहाँ हाँ पूरा गांव में जैसे घर घरों में रोटी खिलाते हैं उसका लक्ष्य पैसे लेते हैं, 70 सुहाने का 150 रुपये 200 रुपये लेते हैं। हाँ 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 वो तो जानकारी आई है, कई लोगों ने बताया। नहीं नहीं बिल्कुल आप ऐसा करें कि मुझे अपनी एक फोटो खींच लेंगे मोबाइल से हाँ हाँ और बिल्कुल जो रसीद है वो मुझे आप अभी तुरंत भेजिए। हाँ ठीक 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 है सर। सर जी मेरा एक निवेदन है जय आपसे, हेलो जी। हाँ हेलो सर हाँ मेरा हाँ एक हाँ निवेदन है, मेरे मेरे घर में क्या समस्या है, हाँ अगर कोई भी आपके ऐसा हो मान लिया यूट्यूब पर कोई भी ऐसा आ तो मेरे को चुनौती है उनको, अगर मेरे को कोई सर के बात सही करके बता देगा मैं मानूंगा, सब बाकी सब ढोंग ढपंगा है दुनिया में पूरा। लगभग 95% तो ढोंगी चल रहा है। हाँ पूरा ढोंग है दुनिया में देख लिया, अगर मेरी चुनौती है इस आपके माध्यम से, अगर कोई हाँ सही करने वाला तो मेरे से संपर्क करे, बिल्कुल बिल्कुल उसकी फीस लगे जो फीस दूंगा अगर मांगे तो वो, लेकिन सही करके। बिल्कुल सही बात है भाई, आप हमें सही कर दे हाँ तो हम फीस जो भेज देंगे। तो हाँ अगर सही भी नहीं किया पैसा क्या क्या मतलब सर। फिर तो एक बार लुट चुके हैं, दूसरी बार फिर लुटने के लिए क्यों तैयार होंगे। अरे सर मैं तो हमारे गांव में कहीं भी पंडित गए छाना गए भोपाल सब सही कर लिए सब, मैंने तो बहुत पैसे लुट गए मैं तो, जी, अब तक आपकी बैठ इसमें इस वीडियो को डालने के लिए आपकी सहमति है तो बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप मुझे फोटो और वो रसीद जरूर भेज दीजिएगा जिसमें वो लिखते हैं ना, रसीद नहीं हाँ एक हाँ पर्चा वो है होता है जिसमें वो अपने ठीक हाथ ठीक से ठीक लिखते हैं, और दोनों तरफ की उसकी फोटो कर लीजिएगा। और जो ठीक बकाया आपकी चाहे जो रसीदें हैं ये वाली जो हाँ आपने फोन पे या जिससे भी किया हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ ये सारी चीजें मुझे आप भेजिए इसी ठीक सर को ठीक व्हाट्सएप नंबर में। अब ठीक सर ठीक मैं सर वीडियो बना के डाल रहा हूँ। ठीक सर ठीक जय माता दी। जय माता।